आज हम यहाँ पर मांग करने आए हैं कि बीजेपी सरकार जिस भी प्रदेश में इलेक्शन लड़ती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह 200 यूनिट बिजली, 300 बिजली यूनिट बिजली फ्री दे रही है। तो यहाँ पे 6 साल से आपकी सरकार है, हरियाणा वासियों ने क्या गुनाह किया आपको सरकार में लाकर कि आज यहाँ पर आप हमारी बिजली फ्री नहीं करते हैं, जब दिल्ली में कर सकते हैं। दिल्ली में 7 साल से फ्री बिजली मिल रही है, आप इसी फ्री बिजली के नाम पर हर जगह वोट मांग रहे हो। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उन लोगों को 200 यूनिट बिजली क्यों नहीं फ्री दे रहे हो? और पूरे लॉकडाउन के दौरान आपने प्रॉमिस किया था कि सरचार्ज माफ़ होंगे, किसी का भी बिल कम नहीं हुआ है, कहीं भी सरचार्ज माफ़ नहीं हुए हैं। पिछले मई 2020 में मोदी जी ने कहा था 90,000 करोड़ बिजली कंपनियों को दिया जाएगा एड, आज तक 90,000 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया भी आपने उनको दिया नहीं है। जुमले पे जुमला नहीं कर सकते। हम रिक्वेस्ट करेंगे हरियाणा के लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, और जिन घरों में 200 यूनिट से कम है उनको जीरो बिल आना चाहिए। जिस हर बिल्डिंग में जनरेटर चल रहे हैं, इन्वर्टर चल रहे हैं, खट्टर जी ने कहा था 2 महीने पहले कि हम गुड़गांव और पंचकुला को इन्वर्टर फ्री शहर बनाएंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता सर, जब से आपने बोला है 4-4 घंटे 6-6 घंटे बिजली जा रही है, इतनी गर्मी है 42 डिग्रीज में, पसीना पसीना में तर होके लोग सो रहे हैं, आपको हमारी पीड़ा क्यों महसूस नहीं हो रही है? आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी आज डिमांड कर रही है कि 200 यूनिट बिजली हर घर में फ्री मिलनी चाहिए, हर घर को 24 घंटे फ्री मिलनी चाहिए। आपने जो वादा किया कि जनरेटर फ्री शहर बनाएंगे, तो आज बना के दिखाइए। 24-25 रुपए यूनिट हर बिल्डिंग में जो रह रहा है वो जनरेटर का पैसा दे रहा है, जनरेटर से धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, हमारी हवा खराब हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज कि 200 यूनिट फ्री बाकी प्रदेशों में जाने से पहले यहाँ पर आप पूरी करिए, तब विश्वास करेंगे कि आप सच में कह रहे हैं, खाली जुमलों से काम नहीं चलेगा। आज हम सब लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम ये जो गूंगी भैरी सरकार है इसको बताने के लिए कि हम लोग जब हमारा हरियाणा जब बिजली का उत्पादन करता है उसके बावजूद भी हमें बिजली क्यों नहीं मुफ्त मिल सकती, जब हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली में बावजूद भी वो 200 यूनिट फ्री दे के 37% जनता का जो बिल है वो 0% पे आ रहा है। तो हम लोग उत्पादन करने के बावजूद भी हमारे जो बिल है वो कम से कम 90% लोगों का जीरो देना चाहिए। आज हमारा प्रोग्राम के बाजार के अंदर एक रोष प्रकट है। आज हम भैरी गूंगी सरकार को जगाना चाहते हैं कि जिन प्रदेशों में बीजेपी गवर्नमेंट आम आदमी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ पे तो ये बड़े बड़े वादे करके कि 200 यूनिट 300 यूनिट का वादा उत्तराखंड में किया है, दिल्ली उसमें गुजरात में किया है, जब इनकी सरकार हरियाणा के अंदर है तो आप यहाँ इसको लागू क्यों नहीं करते? 200 यूनिट हम फ्री मांगते हैं जनता के लिए। जनता कोविड से परेशान है, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए हम 200 यूनिट फ्री की मांग करते हैं। 400 यूनिट तक उसका आधा रेट होना चाहिए, ये भी हम मांग करते हैं। और जो हमारे बढ़े हुए जो बिल जो प्राइवेट कंपनियों को, हम इसका भी विरोध करते हैं, जो प्राइवेट कंपनियों को जो बिल जो इसमें लगा हुआ है, इनके करेक्ट बिल नहीं आते, एवरेज बिल से ये पैसे लेते हैं, इसका भी आज विरोध करने हम जा रहे हैं। आज इस गूंगी भैरी सरकार को ये चेताया जाएगा कि आप नींद से जागो और जनता के हित में सारे कार्य करो। हम इसके बारे में हमारे साथियों ने बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली की तर्ज पर भी हरियाणा में बिजली का सिस्टम क्यों नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। अगर सरकार चाहे वो सब कुछ कर सकती है।
हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि वो दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट तक बिजली करे और हमारा जो कट सिस्टम है बिजली का इसको बंद करे। दूसरा जो महंगी बिजली है उसका भी रेट कम करे। हम ये जनता की आवाज़ भविष्य में अब भी और पीछे भी उठाते रहे हैं और उठाते भी रहेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ खट्टर सरकार से और मोदी सरकार से कि आप लोग जिस स्टेट में जाते हो आप वहाँ पर जाके आप जो ये लुभावने वादे करते हो 200 यूनिट फ्री करने के, तो भाजपा सरकार हरियाणा में भी है, दूसरी बार भी आई है, तो भाजपा सरकार को यहाँ भी 200 यूनिट फ्री करना चाहिए। तो क्यों भाजपा सरकार ये फर्जी वादे करती है? जैसे मोदी वहाँ पर तानाशाही कर रहा है, खट्टर यहाँ पे कर रहा है। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि 200 यूनिट फ्री हमें चाहिए यहाँ पे। और जब से 24 घंटे बिजली का जो वादा किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, तब से आप देखो कितने पावर कट लग रहे हैं। इसका भी सवाल जवाब हम करते हैं, खट्टर साहब जवाब दे इसका। और आने वाले टाइम में हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि बिजली आंदोलन और तेज कर दिया जाए। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।